जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मथुरा जंक्शन पर हुए EMU ट्रेन हादसे के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथियों, मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात शुकरबस्ती से चलकर मथुरा जंक्शन पहुंची EMU ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और लूप लाइन पर न जाकर सीधे ही प्लेटफार्म 2 पर जा पहुंची और प्लेटफार्म को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही ट्रेन यहाँ पर लगे OHE मास्ट से जा टकराई, जिसके बाद ट्रेन कहीं रुकी। साथियों, पूरी घटना क्या है जानते हैं। गाइस, यह घटना मंगलवार देर रात की है और बताया जा रहा है कि यह ट्रेन यात्रियों को उतारने के लिए खड़ी ही थी कि और ट्रेन के यात्री इससे उतर चुके थे और कुछ यात्री प्लेटफार्म पर मौजूद थे। तभी अचानक ट्रेन एकाएक चल देती है और प्लेटफार्म पर चढ़ जाती है और प्लेटफार्म को तोड़ते हुए ऊपर लगे OHE मास्ट से टकरा कर रुक जाती है। साथियों, इसमें मीडिया रिपोर्टरों द्वारा तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकी थी, इसके बाद चल पड़ी, और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें लोको पायलट की गलती है। लोको पायलट ने ब्रेक अप्लाई करने की जगह एक्सीलेटर को अप्लाई कर दिया। परंतु साथियों, फोटो में देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, इसकी हकीकत कुछ और ही है और हम इस कारण से सहमत नहीं है। गाइज, आप ही देख सकते हैं कि यदि ट्रेन यात्रियों के रुकने के लिए रुकी होती और अचानक चल भी जाती तो वह प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचती। वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं, ऐसे में यह तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली है, जबकि देखने में यह लग रहा है कि ट्रेन जहां से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है उसके पहले से ही ट्रेन डिरेल हो गई और प्लेटफॉर्म के रैप के जरिए प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे OHE मास्ट से टकरा कर रुक गई। तो साथियों, यह कारण तो स्पष्ट है कि ट्रेन दोनों तरफ यदि प्लेटफॉर्म से चली होती तो वह कभी प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ सकती। गाइस, इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो बताया जा रहा है कि इसी ट्रेन के ड्राइवर केविन का है, जिसमें दिख रहा है कि ट्रेन के लोको पायलट ट्रेन को पहुंचने के बाद केवन से उतरते हुए आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि केवन में एक व्यक्ति आता है, क्योंकि वह लोको पायलट की तो ड्रेस नहीं पहने हैं और वह मोबाइल में वीडियो कॉल या पिक्चर देख रहा है। तभी वह थ्रॉटल के पास में बैग रख देते हैं और ट्रेन को फॉरवर्ड करते हैं और दोबारा उनका हाथ वहां पर नहीं पहुंच पाता, तब तक उस पर बैग गिर चुका होता है और ट्रेन रेस हो जाती है, झटके महसूस होते हैं। साथियों, इस वीडियो को हमने बार बार देखा, फिर भी हम ठीक ठाक निष्कर्षण पर नहीं पहुंचे। साथियों, इस घटना के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला तो यह है कि यह ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफार्म पर आई थी, इसके बाद इसे रात्रि के दौरान खड़ा करने के लिए प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर ले जाया गया हो और प्लेटफार्म आने से पहले ही लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया और ड्यूटी पूरी होने पर अपने रेस्ट रूम चले गए हों, जिसके बाद अन्य कोई स्टाफ केबिन में एंटर हुआ और हो सकता है लोको पायलट हों लेकिन उनके साथ ALP नहीं है और वह अपने मोबाइल में बिजी दिख रहे हैं। तभी अचानक से उन्होंने ट्रेन को फॉरवर्ड करने के लिए जैसे ही लीवर प्रेस किया तो स्पीड के साथ ट्रेन डिरेल हो गई और प्लेटफार्म पर जब पहुंची, या फिर यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति कोई लोको पायलट के अलावा अन्य स्टाफ भी हो सकता है जिसे EMU के बारे में पूरी तरह अनुभव ना हो, या फिर उनसे यह सब गलती से हुआ हो। साथियों, इसके अलावा एक रीजन यह भी हो सकता है कि जो यह ट्रेन होती है यह लोकोमोटिव वाली ट्रेन से भिन्न होती है और इसका नाम होता है EMU, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, जिसमें मेमो ट्रेन की भांति हर कोच में मोटर लगी होती है और पूरी ट्रेन में 2-3 जगह पेंटोग्राफ लगे होते हैं। साथियों, इस ट्रेन में लोकोमोटिव वाली ट्रेन से कहीं ज़्यादा हैवी टॉर्क होता है और यह तुरंत ही स्पीड पकड़ लेती है और इसको कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक कोच में एक से दूसरे कोच को जोड़ने के लिए कई प्रकार के इलेक्ट्रिक वायर और पाइप लगे होते हैं, जो सभी कोचों का परस्पर कांटेक्ट स्थापित कर ड्राइवर केबिन से कमांड प्राप्त करते हैं। ऐसे में साथियों, हो सकता है कि इस सिस्टम में खराबी आ गई हो या अन्य कोचों का प्रेशर डाउन हुआ। जो लोको पायलट ट्रेन को छोड़कर गए हैं उन्होंने ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करके रखा हो, या कोई अन्य रीजन भी हो सकता है जिसके बाद नए लोको पायलट पहुंचे और मोबाइल वगैरह में बिजी होने के कारण उन्होंने ट्रेन के नियंत्रक व सूचकों पर बिना ध्यान दिए ट्रेन को अचानक से फॉरवर्ड कर दिया, जिससे हैवी टॉर्क की वजह से हो सकता है
ट्रेन डीरेल हुई हो और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ट्रेन एंटर होने वाली हो वहाँ पर लूप लाइन की रेल में लगी फिक्स प्लेट टूट गई हो, या फिर SEJ पॉइंट में कोई खराबी आई हो जिससे ट्रेन डीरेल हो गई हो। साथ ही आप फोटो में स्पष्ट देख सकते हैं कि ट्रेन डीरेल प्लेटफार्म स्टार्ट होने से काफ़ी पहले हुई है, तभी तो वह पूरी की पूरी प्लेटफार्म पर पहुंची है। साथ ही इसके अलावा कोई अन्य रीजन भी हो सकता है। गाइज, इस हादसे के बाद यहाँ पर तुरंत मौके पर RPF के कर्मचारी पहुँच गए और कंट्रोल को सूचित कर दिल्ली मथुरा रेलवे मार्ग पर आ रही मालवा सुपर फास्ट, अमृतसर बांद्रा टर्मिनल जैसी अन्य गाड़ियों को बीच में ही रोक दिया गया, जिससे गाड़ियों का आवागमन प्रभावित हुआ। साथियों, अब इसकी क्या वजह है यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, और यदि किसी को इस घटना के सही कारण की जानकारी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गाइज, रेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मिलेंगे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।